बैंगलोर सेंट्रल त्रिवानंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस। ये देखिए मैं बोल रहा था ना आपको, कैमरे वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर, दाल मखनी और राइस। तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, ईट श्योर से मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। क्योंकि आदि योगी यहीं से जो है पास में पड़ता है, आपको जो है बोर्डिंग डीबोर्डिंग पॉइंट यही बनाना पड़ेगा। बाकी बाहर के साइड आपको ये खाने पीने के लिए यहाँ पर ई रोड कैफ़े वगैरह भी मिल जाएगा। और अब होटल्स वगैरह के लिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, जस्ट यहाँ से 300 मीटर्स के आगे आपको होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे पूछा भी, पूरा साउथ गेट है ये ई रोड का, और बाकी एंट्रेंस और एग्जिट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अभी प्रमाइसिस का काम चल रहा है और ये टिकट का रिजर्वेशन काउंटर है। बाकी चलिए इधर से जो है हम एंट्रेंस लेते हैं हमारे रेलवे स्टेशन के अंदर। स्वागत है दोस्तों आपका एक और न्यू जर्नी वीडियो में। सो आज हम आ गए हैं और आज हमारी जर्नी होने जा रही है इस अहिल्या नगरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जिसका ट्रेन नंबर है 22646 और ये एक वीकली रनिंग ट्रेन है जो कोचीवेली से आपकी चलती है और इंदौर पहुंचा देती है आपको 66 आवर्स में। बाकी ये कोचीवेली से चलती है, सुबह 6:35 निकलती है और इसका एर्नाकुलम पहुंचने का 10:40 का टाइम है, पर बिफोर आ गई है आज ये क्योंकि साउदर्न रेलवे है तो आपको मालूम ही है यहाँ पर सारी ट्रेन वगैरह बिफोर ही चलती है। बाकी चलिए अभी सीट में बोर्ड करते हैं और आज की जो जर्नी होने जा रही है वो होने जा रही है 66 आवर्स की जर्नी होने वाली है। मतलब आज जो है सैटरडे है, आज मैं इस ट्रेन में बोर्ड हो रहा हूँ और मैं मंडे को सुबह 5:00 पहुँचूंगा इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो जर्नी में बहुत मज़ा आने वाला है, आप बने रहिएगा। हम चेक करेंगे इस गाड़ी में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, क्लीननेस कैसी है, खाने का क्या सिस्टम है, पेंट्री का डेडिकेटेड है इस ट्रेन के अंदर। बाकी ये जो कोचीवेली है ना, ये दूसरा रूट लेके जाती है, इसका रूट अलग हो जाता है। जो वो वाली कोचीवेली आती है, जो कोचीवेली एक्सप्रेस आती है वो मदगांव होते हुए आती है, वो कर्नाटका मैंगलोर वाले रूट से आती है। और ये वाली जो है हमारी अभी शोरूम के पहले से ही डाइवर्ट हो जाएगी, ये पालक्कड़ कोयम्बटूर होते हुए जाती है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखने वाली। बाकी चलिए ये आज हमारा कोच होने वाला है और इसी में हमारी साइड लोअर बर्थ है। पहले बर्थ में सामान रख देते हैं और यहाँ पे काफ़ी गर्मी हो रही है तो पहले मैं इसको सामान को सेट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। आज हमारी ये सीट होने वाली है, ये थर्ड एसी इकोनॉमी का कोच है, 23 नंबर बर्थ रहेगी। तो इसी पे हम अपने 66 आवर्स की जो जर्नी कंप्लीट करेंगे। बाकी एसी वगैरह की सुविधा बात की जाए तो ट्रेन का एसी जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है। बाकी ट्रेन के एसी की बात की जाए तो ट्रेन का एसी काफ़ी अच्छा चल रहा है, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कूलिंग अच्छी कर रखी है। बाकी बिफोर टाइम आ गई है तो यहाँ पर रुकेगी ट्रेन, मतलब 12-13 मिनट रुकने वाली है ट्रेन। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ है और इस ट्रेन के अंदर आपको पेंट्री कार्ड भी देखने को मिल जाएगा, तो खाने पीने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पर दिक्कत जब तक नहीं आने वाली है जब तक खाना पीना अच्छा मिलेगा, अगर खाना पीना ख़राब मिलेगा तो फिर तो एक इशू वाली प्रॉब्लम होगी। बाकी हाँ, हम लोगों ने जो है पालक्कड़ से जो है अपना लंच भी ऑर्डर किया है तो वो भी मैं आपको रिव्यू करूँगा कहाँ से मैंने ऑर्डर किया है। जो मैं इस रूट पर ऑलरेडी मानसून सीज़न पर आ चुका हूँ पालक्कड़ वाले पे, तो मुझे आइडिया है कि यहाँ पे खाना वगैरह कैसा अच्छा मिलता है।
बाकी ये है एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1, और यहाँ पर डिजिटल इंडिया का मोदी जी का जो है आपको सेल्फी पॉइंट भी मिल जाएगा एक छोटा सा। खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से इजिली आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं इस रेलवे स्टेशन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। खाने तो स्नैक्स वगैरह के लिए आपको मल्टीपल काउंटर्स मिल जाएंगे बहुत सारे, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 6 तक जो है एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से जो है जंक्शन रेलवे स्टेशन है, यहाँ से जो लाइन डिवाइड हो जाती है, एक लाइन निकल जाती है आपकी आलापूजा के तरफ और एक लाइन निकल जाती है आपकी मेरे ख्याल से कोल्लम के तरफ शायद से। चलिए मैं आपको, ट्रेन डिपार्चर होती है फिर मैं मिलता हूँ उसके बाद जरिए जी। तो मैं आपको बता रहा था इसको जंक्शन पॉइंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जंक्शन पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से जो है एक लाइन आपको निकल जाएगी एलापूजा के तरफ और एक लाइन निकल जाएगी आपकी कोट्टम के तरफ, इसलिए एक इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। बाकी दोनों ही जाके आगे मर्ज हो जाती है। बाकी एलापूजा अगर आपको जाना है तो वो यहीं से जो है लाइन डाइवर्ट हो जाती है, और कोट्टम वाली लाइन जो है वो अलग हो जाती है, इसलिए ये एर्नाकुलम है वो एक इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है यहाँ पर। चलिए अब जो है ट्रेन जब डिपार्चर होगी मैं जब भी मिलूँगा आप लोगों से डिपार्चर दिखाता हूँ, और इसमें 49 हॉल्ट्स के बाद जो है हमारी ट्रेन इंदौर जंक्शन पहुँच जाएगी। तो सारे हॉल्ट्स तो मैं कवर करने नहीं वाला हूँ, और साथ ही साथ इस जर्नी को दो पार्ट में भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक पार्ट में अगर मैं बना दूंगा ना तो आप लोग देखोगे ही नहीं, भाग जाओगे वीडियो को छोड़ के, तो इसलिए दो पार्ट में जो है जर्नी को बना दूंगा मैं आपको। बाकी देखते हैं सेकेंड पार्ट कहाँ से कंटिन्यू करते हैं होपफुली। बाकी नागपुर जंक्शन भी आएगा हमारा, कल शाम को नागपुर भी पहुँच जाएंगे हम लोग, तो काफ़ी जो है अच्छी जर्नी होने वाली है। चलिए अपने सही समझ के साथ 10:46 पे हमारी ट्रेन ने डिपार्चर ले लिया है एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन से। कुछ ऐसी खाने पीने की आपको जो है फैसिलिटीज मिल जाएगी रेलवे स्टेशन के अंदर ही। साथ ही साथ ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साइड से एग्जिट और एंट्रेंस यहाँ का। यह अराइव हो गई है आपकी गोरखपुर कोचेवली राप्ती सागर एक्सप्रेस का अराइवल हो गया है अलवा रेलवे स्टेशन पर। वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आई है और हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आए हैं, तो यहाँ पे भी जो है एक मिनट का हॉल्ट है, साथ ही साथ हमने डिपार्चर भी ले लिया है। थर्ड एसी थर्ड 6 थर्ड एसी 3 फर्स्ट एसी और 1 इकोनॉमी कोच के साथ चलती है ये आपकी गोरखपुर राप्ती सागर एक्सप्रेस। बैंगलोर सेंट्रल त्रिवानंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस।
हमारी कोचेवली इंदौर अहिल्या नगरी का जो है थर्ड एसी इकोनॉमी का कोच है। ये आपका हो गया बेसिन, बेसिन जो है नल लगा दिया है, नीचे का जो सिस्टम है वो तो ख़राब हो गया है तो इधर नल भी फिट कर दिया है, तो मिलेगा। बाकी आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा यहाँ पर, आपको डस्टबिन जो है वो अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे पहुँच चुका है, तो डस्टबिन जो है वो ऐसा लेगा। बाकी वहाँ पे भी एक वो डस्ट पॉलीथीन लगा दिया है क्योंकि एक्स्ट्रा जो है गार्बेज हो जाता है उसके कारण। बाकी ये आपके किट्स हो गए। बाकी कूलिंग की बात की जाए तो कूलिंग तो बहुत ज़बरदस्त हो रही है इस ट्रेन के अंदर। कूलिंग के मामले में मानना पड़ेगा कि फर्स्ट क्लास कूलिंग कर रखी है, मतलब अच्छा लग रहा है अंदर, क्योंकि बाहर गर्मी है और अंदर ठंडा है तो बेटर लग रहा है। बाकी चलिए अभी जो है आपको मैंगलोर सेंट्रल तिरुवनंतपुरम वंदे भारत की क्रॉसिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और कमेंट कीजिए और लाइक करिए वीडियो। बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप लोग देखिया करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और हम बहुत ही जल्दी 1K सब्सक्राइबर टच करने वाले हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो है आपने इस जर्नी तक मेरा साथ दिया है। बाकी चलिए जो इसके बाद जो है हमारा वड़क कचहरी से जो है ट्रेन डाइवर्ट हो जाएगी, शोरनूर बाईपास करते हुए हम लोग निकल जाएंगे पलक्कड़ जंक्शन में, और पलक्कड़ में ही हमने अपना जो है लंच ऑर्डर किया है, तो मैं आपको वहीं मिलूँगा। बीच के स्टॉप तो मैं स्किप करने वाला हूँ, बहुत सारे स्टॉप है इस ट्रेन में, इतने सारे स्टॉप, मेन जो स्टॉपेज है वही कवर करेंगे हम लोग, बाकी स्टॉप जो है स्किप करने वाले हैं हम लोग। पर 12:30 पे 15 मिनट के डिले के साथ हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है त्रिशूल पर। यहाँ पर 189 ट्रेन्स का आपको हॉल्ट देखने को मिलेगा, साथ में 3 रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म है, 2 मिनट का हॉल्ट रहने वाला है हमारी ट्रेन का। और त्रिशूल में आपको भगवान शिव जी का बहुत ही फेमस टेम्पल देखने को मिलेगा। और चलिए स्टॉल्स वगैरह इधर निकल गए, मुझे कुछ लेना था तो ले नहीं पाया हूँ। बाकी चलिए, वैसे भी हमने लंच ऑर्डर कर रखा है ट्रेन के पलक्कड़ पे, तो लंच आ ही जाएगा हमारा ऑनलाइन। बाकी ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी ट्रेन का अराइवल।
से 15 मिनट के डिले के साथ हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है पालक्कड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। जो जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ से पोलाचेरी जंक्शन के लिए एक लाइन निकल जाती है, साथ ही साथ यहाँ पर 137 ट्रेनों का हॉल्ट है, 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ है फिलहाल, और ये है जो हमारा प्लेटफॉर्म नंबर 4 बना हुआ है यहाँ पे। और हमने यहाँ पे खाना भी ऑर्डर किया था, वो अभी तक आया ही नहीं है, कॉल तो आया था भैया का। चलिए चेकआउट करते हैं हमारा खाना कहाँ पर है, जैसे बर्थ पे खाना आता है। फिलहाल कॉल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ पर है भैया। जो खाना मंगाया था ऑनलाइन ये यहाँ पे हमें सर्व हो गया है। तो जैसे यहाँ पर भी जो है हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, और यहाँ से जो है हम लोग कोयम्बटूर वाली लाइन पे बढ़ गए हैं। कोयम्बटूर जंक्शन रेलवे स्टेशन हमारा नेक्स्ट हॉल्ट होने वाला है। और पालक्कड़ के तरफ अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ का घाट सेक्शन मिस मत करिएगा, बहुत ही खूबसूरत घाट सेक्शन रहता है। खासकर मानसून सीज़न के अंदर जो घाट सेक्शन रहता है ना, वो मतलब मैंने लास्ट टाइम मानसून में कवर किया था तो बिल्कुल क्लाउड्स नीचे आ जाते हैं पूरे। कि चलिए फिलहाल इसको सीट पे मैं रखता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको डिपार्चर दिखाता हूँ। तो टाइम बहुत कम है हमारे पास, ऑलरेडी हम 15 मिनट के डिले के साथ चल रहे हैं। और ये है इसका प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पालक्कड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का। साथ ही साथ यहाँ पे वाटर रिफिलिंग का भी जो है हॉल्ट है, तो इसलिए वाटर रिफिल भी किया जा रहा है हमारी ट्रेन के अंदर। और इस तरफ है जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 आपको देखने को मिल जाएगा पालक्कड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का। बैंगलोर सिटी एर्नाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। पालक्कड़ पूरे पालक्कड़ के घाट से ये जो चल रहे हैं इस समय, मानसून के टाइम पे यहाँ पर पूरे क्लाउड से क्लाउड्स दिखेंगे आपको। टाइम तो पूरा वो है, विजिबल है, पर मानसून के टाइम पे कुछ भी विजिबल नहीं होता, पूरा ग्रीन हो जाता है ये। रेलवे ने जो है सुरक्षा के हिसाब से कैमरे भी इंस्टॉल कर रखे हैं ताकि एलिफेंट्स का खतरा जो है बने रहे।
क्योंकि ये जो पूरा है एलिफेंट जोन है, तो मैक्सिमम यहाँ पर जो है कोई भी जंगली जानवर वगैरह क्रॉस होता है, तो इसके कारण फेंसिंग वगैरह भी की गई है प्रॉपर इलेक्ट्रिक शॉक की। ये देखिए मैं बोल रहा था ना आपको, कैमरे वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पर। खाने के लिए मैंने देखिए जो है ईट श्योर से ऑर्डर कर लिया था दाल मखनी और राइस। तो आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन ईट श्योर से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये खाना अच्छा आता है, ये तो गारंटीड फूड है। बाकी इस ट्रेन के अंदर आपको डेडिकेटेड पेंट्री भी देखने को मिल जाएगी, पर ये जो ट्रेन है आज सुबह ही चली है, तो इसके कारण शायद से प्रॉपर मील नहीं सर्व कर रहे। बिरयानी, वेज बिरयानी और अंडा बिरयानी और चिकन बिरयानी ये लोग सर्व कर रहे हैं, और रात में जो है इसमें प्रॉपर जो है पेंट्री स्टार्ट हो जाएगी, तो खाना वगैरह जो सर्व होगा तो फिर अपन बूस्ट उसको भी ट्राई करेंगे कि पेंट्री का खाना कैसा है। बाकी चलिए हम इसको एंजॉय करते हैं। बाकी इसका रिव्यू करना क्या करना, ये तो बाहर से आया है पर ठीक है, और इसका फूड अच्छा ही रहता है, मैंने पहले भी ट्राई कर रखा है इट श्योर का। इन लोगों का कोई डाउट नहीं है, खाना अच्छा प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है चलिए मैं इसको फिनिश करता हूँ फटाफट और आपसे मिलता हूँ कोयम्बटूर जंक्शन में। बाकी बाहर देखिए पलक्कड़ के नज़ारे चल रहे हैं, पूरा घाट सेक्शन चल रहा है, और थोड़ी ही देर में कोयम्बटूर जंक्शन रेलवे स्टेशन आने वाला है। ये आ गई पोरचल्ली वाली ब्रांच लाइन जो हमसे आके मर्ज हो रही है, हम लोग इसी के साथ जो है कोयम्बटूर जंक्शन पहुँचने वाले हैं। अब
कंफर्टेबल कोयम्बटूर हिसार एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यहाँ पर 15 मिनट की देरी से 3:30 पर हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है कोयम्बटूर जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर 103 ट्रेनों का हॉल्ट है और साथ ही साथ आपको 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। और जंक्शन पॉइंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से जो है हमारी मेट्रोपोलियम वाली लाइन जो है ऊटी के लिए जो ट्रेन जाती है वो अलग हो जाती है। यहाँ से जो है लोकल ट्रेन चलती है मेट्रोपोलियम के लिए, वहाँ से मेट्रोपोलियम से जो ऊटी के लिए ट्रेन चलती है। अगर आपको कभी ऊटी आना है तो आपको इस जगह पर कोयम्बटूर जंक्शन रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको जो है यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म पर 3 मिनट का हॉल्ट होने वाला है हमारी ट्रेन का। और साथ ही साथ अगर आपको जो है ये रेलवे स्टेशन बता दूँ, ये 1A पे आई है हमारी ट्रेन। और साथ ही साथ उस तरफ भी आपको जो है स्टेशन देखने को मिलेगा। ये है सैटेलाइट रेलवे स्टेशन, कुछ ऐसा दिखता है यहाँ पर। ज़्यादा स्टॉल्स इस साइड आपको देखने को मिलेंगे। वो प्लेटफॉर्म 1A है, ये 1 है शायद से। तो जो है ये दोनों सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ कि और अगर आपको आदियोगी वगैरह जाना है तो भी आपको कोयम्बटूर जंक्शन रेलवे स्टेशन ही आना पड़ेगा, क्योंकि आदियोगी यहीं से जो है पास में पड़ता है। आपको जो है डीबोर्डिंग पॉइंट यही बनाना पड़ेगा, यहीं से जो है आपको आदियोगी के लिए बसेस वगैरह बाहर से मिल जाएगी। बाकी सिटी बहुत अच्छी है, मानसून सीज़न में मैंने इसको कवर किया था लास्ट टाइम, तब बहुत अच्छी लगी थी। बाकी अभी तो गर्मी होने लगी है थोड़ी बहुत, गर्मी का सीज़न है ऑलमोस्ट, तो गर्मी तो होगी साउथ में। बाकी इसी के साथ जो है हम तमिलनाडु में जो है एंटर कर गए हैं।
यहाँ से जो है मेट्रो मुलायम वाली लाइन हमसे अलग होते हुए और हम लोग ईरोड के तरफ जो है डाइवर्ट हो चुके हैं यहाँ, इसलिए कोयम्बटूर को एक जंक्शन रेलवे स्टेशन बोलते हैं। यहाँ पर 4:25 पे 25 मिनट की डिले के बाद हमारी ट्रेन का अराइवल हो गया है ईरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन। जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से जो है आपकी करूर वाली लाइन अलग हो जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर 147 ट्रेनों का हॉल्ट देखने को मिलेगा आपको और चार प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारी ट्रेन का अराइवल हुआ है यहाँ पर और साथ ही साथ हमारे साथ से साइड में खड़ी हुई ये ट्रेन जो मेरे पीछे खड़ी है ये है आपकी हजूर साहब नारायण से ईरोड आने वाली हजूर साहब नारायण ईरोड एक्सप्रेस का अराइवल हुआ है। जस्ट ये यहाँ पे शंट होने जा रही है और हम लोग जो है ये हो रही है शाम की सुबह साथ ही साथ आपको ईरोड में देखने को मिल जाएगा। ईरोड में आपको एक इलेक्ट्रिक शेड देखने को मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक लोको शेड और एक डीजल लोको शेड भी आपको देखने को मिलता है ईरोड में। और ये हम लोग शायद प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ही हमारी अराइवल हुआ है, लास्ट प्लेटफॉर्म पे हुआ है यहाँ से जो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे हमारा अराइवल हुआ है। 3 पे जो है हजू साहब नांदेड़ लगी हुई है, इस तरफ से भी स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है और ये हमारा खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है। खाने पीने के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे ईरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है खाने पीने के रिगार्डिंग। इडली वड़ा वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पे आइटम अवेलेबल है साउथ इंडियन के हिसाब से। बाकी चलिए यहाँ पर भी जो है हमने ईरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन को अलविदा बोल दिया है 10 मिनट के हॉल्ट के बाद। अब जो हमारा अगला रेलवे स्टेशन होने वाला है वो होने जा रहा है सेलम जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये सारी भी सुविधाएं आपको मिलने वाली है अगर आप ईरोड जंक्शन रेलवे स्टेशन आ रहे हैं। बाकी इसके आगे की जर्नी जो है हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। बाकी आप लोग बताइएगा आपको पलक्कड़ के जो है माउंटेन्स कैसे लगे हैं और हम लोग इस जर्नी को जो है फिर से मानसून में एक बार जो है कोई दूसरी ट्रेन से कवर करेंगे। ये बताइएगा आपको जर्नी कैसी लगी है, अगर जर्नी पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं मिलूँगा आप ऐसी किसी नेक्स्ट ट्रेन जर्नी में, तब तक के लिए जय हिंद।